हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो आज है डुगू पूरा एक महीने का। डुगू को आज एक मंथ हो गया है, एक महीने का कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, जरा सा लिटिल बिट सा इम्प्रूवमेंट आया डुगू में, है ना। परेशान करने लगा है, जब हुआ उस दिन परेशान नहीं कर रहा था, ऐसे सो रहा था आग बंद करके आराम से। और आज हमारे बुआ जी गवा रहे हैं गीत, बाहर लेडीजे बैठी हैं, बाहर संगीत चल रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ, बाहर वाले आंगन में गीत गवा रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि मेरा वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी लेडीजे बैठी हैं इसलिए। चाल पड़ी बुआ, चाल पड़ी बेटी, ठीक से गठड़ी मुठड़ी बंद कर। हां, गठड़ी वाल मत देख ले, गठड़ी मत ली। ये वीडियो सुनो सारे भूत आ जाएगी तुम्ही। ए बाप रे, भीतर क्यों जा है तो? ते तुमने बेरी खा रखी। अब भाई भाई एक दिन खा तो खुदाई। मैं तुमने लाने दी मैं सुख क्या मारी है। ओहो, हां भाई आ जाएगी साथ में ही। मान दिया तो। मान ले लिया फुटू को नहीं। मान दिया तो जा। या तो ये मुंह दिखे तो जाएगी। हां, तुमने लाने दी मैं। मान लियो कि नहीं गड्डी का है। भीतर कड़े जा बुआ जाई बे। बसंती, फटू उतरा से। मैं नहीं जानते। ए बुआ भीतर की जा है, गठड़ी लेके तो बाहर जाया करी। तो गाइस, जो गीत संगीत का फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। आपने देखा बुआ जी जो अपने सूट वगैरह हैं वो सब पैक करके और काफ़ी खुश हैं। उसके बाद मैं उस टाइम नहीं था यहाँ पे, तो शाम गया हुआ था, कुछ काम था। आज बहुत बिजी हूँ, 2 से 3 चक्कर लग चुके हैं क्योंकि हलवाई जो है वो लगा हुआ है, काम चल रहा है और कल का फंक्शन है। तो आपको पता ही है कि जब घर में फंक्शन होता है तो हर कोई इधर उधर भाग भाग रहता है, सब बिजी रहते हैं, इसलिए कम ही टाइम दे पाते हैं। फ़ोन तो मेरे पास रहता ही नहीं है, और रहता है तो फ़ोन की बैटरी नहीं रहती है। और ये हमारे आर्यन कुमार आ चुके हैं, मिस्टर भिंडा, ये भी मेरे साथ ही थे। तो शाम आर्यन मज़े आए, तो शाम आर्यन मज़े लेता घूम रहा है, यहाँ टेंशन हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ, और डुगू इधर सो रहा है। भाई भाग दौड़ कितनी है। और बंटी, बंटी खुद परेशान आज डुगू के साथ पूरे दिन अकेले, फिर मेरे ऊपर गुस्सा निकालती हैं, और किसी पे तो जोर चलता नहीं है बंटी का, है ना आर्यन। मम्मी हमारी फुल हवा में है आज सुबह से, पूरी अफरा तफरी मचा रखी है आर्यन, है ना। डुगू उठ गया भाई। डुगू रो मत बेटा, दूध तैयार है। लो भैया, डुगू का दूध का टाइम हो गया। तो गाइस, सारी जिम्मेवारी पापा की नहीं होती, चाचा की भी होती है। अंकल की ड्यूटी देखो, कितना मेहनती लड़का है, डायपर चेंज करवा रहा है अपनी भाभी के साथ मिलके डुगू के। गुड जॉब आर्यन, मैं प्रे करूँगा आपको अच्छी वाइफ मिले ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो। ये एक्सपीरियंस पहले ही ले ले, बाद में काम आएगा, फिर तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बोल सकता है फिर अपनी वाइफ को कि मेरी भाभी ने सिखाया था, ये पहले से ही सीखा हुआ है ना आर्यन, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड बंदा। अरे बेटा पैर मोड़ो। डुगा डुगो, अरे भाई ठंडी रे, वो ठंडी है बहुत भाई, वो ठंडी है। डुगो पैर खराब हो जाएंगे बेटा। गुड जॉब, ये शाबाश, बहुत अच्छे आर्यन, सही कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी? एक दिन की ट्रेनिंग में ट्रेंड हो गया। यस, ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। डुगू को बड़े मजे आते हैं डायपर चेंज कराने में, मस्ती मारता है। आर्यन सुबह 6 बजे तैयार हो जाना भाई, काम के लिए, काम सारे छोड़ दिए। तो गाइज, अभी टाइम हो गया है 9:02, हमने डिनर कर लिया और कल है कुआ पूजन हमारा, मतलब आपका मेरा, तो मतलब हमारा ही लग रहा है हमारा। तो कल रहेंगे फुल बिजी, कल ब्लॉग शायद नहीं आएगा, मतलब कल तो ये ब्लॉग आएगा लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे ब्लॉग नहीं आएगा 6 तारीख को, हाँ, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। और अभी करते हैं सोने की तैयारी, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सोना तो क्या ही है, डुगू सोने नहीं देगा रात को, मेरे को पता है। ऑफिस का काम भी अभी पड़ा है, वो भी करना है। बट आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और परसों ब्लॉग नहीं मिलेगा तो उससे नेक्स्ट डे ब्लॉग मिलेगा, उसमें आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा कुआं पूजन। बाय गाइज़।